नमस्कार भैया। आज इंदौर में हॉस्पिटल जाने का काम पड़ा। इंदौर की जो पोजीशन है वो देख के बहुत डर बैठ गया मन में। मेरी मदर को चेस्ट पेन हुआ। इंदौर में कोई हॉस्पिटल चालू नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल तो कोई भी चालू नहीं है। मैं उन्हें लेके यूनिक हॉस्पिटल गया। काफ़ी परिचित डॉक्टर है वहाँ पे, लेकिन डॉक्टर किसी भी हॉस्पिटल में कोई नहीं है, ये नोट कर लिया जाए। कौन इलाज कर रहा है, कोई डॉक्टर आपको कोई भी हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा। यूनिक में दिखाया, उन्होंने एक्सरे किया, बोले लंग्स में एक पेच आ रहा है, तो बोले आपको इनको अरिहंत में ले जाना पड़ेगा। अरिहंत हॉस्पिटल के अंदर 2.5 घंटे के ऊपर मैं खड़ा रहा। कौन डॉक्टर ड्यूटी पे है ये जानकारी निकालने में उनको 2.5 घंटे लग गए, और उन्होंने बोल दिया भाभी यहाँ कोई डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं है। एनी हाउ उनको सुएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया, तो वहाँ पे भी एक फॉर्म भरवाया गया है कि आप आपके पेशेंट से नहीं मिल सकते। और पेशेंट की पोजीशन क्या है, क्या नहीं है, क्या इलाज चल रहा है, कौन इलाज कर रहा है, इसकी जानकारी देने वाला कोई नहीं है। अब इंदौर में सिर्फ आप भगवान के भरोसे रह सकते हो, ये बात नोट कर ले। मैं